Assalamualaikum, this is me, Fia, food and flavors. उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे और क्या हाल चाल है जनाब। आज फिया एक ज़बरदस्ती ऑसम सी रेसिपी लाई है और जनाब ढलती हुई शाम है तो सोचा आप लोगों के साथ एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर की जाए। झटपट सी है, फटाफट सी भी है, लेकिन ओनली मैरिनेशन टाइम लेंगे। जी हाँ, बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्ता लाहौरी चरगा। और कैसे बनता है ये सारे मसाला जात आपके घर में ही मिल जाते हैं, कुछ भी स्पाइसेस आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें आपको बताते हैं क्या क्या लिया है हमने। यहाँ पे लिया है होल चिकन जो कि 2 kg के करीब है, विदाउट स्किन है। और इसके साथ ही हमने लिया है दही है यहाँ पे जो 1.5 cup के करीब है। ये सारे मसाले देखिए, अदरक है जो कि 2 tablespoons के करीब है, हल्दी ली है और इसके साथ मैंने लिया है लाल मिर्ची 2 tablespoons और नमक 1 teaspoon। ये सारे जो स्पाइसेस हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ भी कर सकते हो, ज़्यादा डालना चाहते हो डाल दो। और इसके साथ मैं डालूँगी घी यहाँ पर और ये मैक्सिमम मैंने डाला 2 to 4 tablespoons के करीब, ठीक है। ये जो है गलाने में काम आता है। और इसके साथ मैं अब डालूँगी लहसुन जो कि मैंने बहुत बारीक पीसा था, ये 3 tablespoons के करीब डाला मैंने इसके अंदर। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर मैक्सिमम जो है आप जो है 3 to 4 tablespoons के करीब इसके अंदर सिरका ऐड कर दें और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और हल्दी को आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर में डालूँगी फूड कलर जो कि रेड फूड कलर होगा, थोड़ा सा ऐड करूँगी, 1/2 teaspoon से थोड़ा सा कम डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा, जैसे बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा रेड कलर के होते हैं अगर आप चरका, तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी फूड कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने, इसका पेस्ट तैयार हो चुका है, ये देखें मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ अब इसके अंदर, ये देखें ये मैंने 1/2 teaspoon से करीब कम डाला है, ज़्यादा डालना चाहते हो तो डाल दो। चलो जी, अच्छा असल इसका जो है ना, इसका मैरिनेशन का टाइम लेता है। मैं इस चिकन के अंदर जब मसाला लगा के रखूँगी मैक्सिमम 5 hours के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब यहाँ पे हमारे सामने चिकन आ चुकी है और अब हम इसके अंदर लगाएंगे कट्स, ठीक है। ये मैंने होल चिकन ले ली थी, अब मैं ख़ुद कट लगा रही हूँ। मेरे हाथों का रंग जो था उसमें रेड फूड कलर मेरे हाथ पे लग गया और वो चिकन पे भी लग गया। चले जी, और इसके हम अब इसके लेग्स पे, थाइस पे, सब तरफ इसके हम कट्स लगाएंगे, अच्छे से गहरे कट लगाने। और ये देखिए उसको मैंने अच्छे से पहले से वॉश कर लिया था, ठीक है। अब इसके मैं बैक में लगा रही हूँ कट सारे। जितना अच्छा हम इसको कट्स अंदर तक लगाएंगे और जो हमारी मैरिनेशन को भी फिर हम अच्छे से इसको लगाते हैं। ये देखिए हमारे कट्स लग चुके हैं और अब मैं ये सारा मिक्सचर जो है इस चिकन के ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए जनाब, हमने सारा इसके अंदर मिक्सचर डाल दिया है और अब हम जो है इसको मैं ग्लव्स पहन लूँ पहले और फिर उसको अच्छे से हम अंदर तक इसके मसाला लगाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल एक एक कट के अंदर लगाना है ताकि जो है इसकी जो हर जो कहते हैं ना जूसी किस्म का हमारा जो है ना ये चरगा बने, ठीक है। और मैं इस चरगे को जो है ना फ्राई करूँगी, ठीक है। अगर आप स्टीम करना चाहते हो तो आप स्टीम भी कर सकते हो, लेकिन जी लाहौरी चरगा है तो जनाब तो फ्राई ही अच्छा लगता है ना, तो कभी कभी ऑयली चीज़ें खा लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो चलें, और ये हमने लगा दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मसाला और अब इसको अब मैं 5 hours के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जी जनाब, हमारे फ्राई का टाइम आ चुका है। चिकन को मैंने 5 hours के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर मैक्सिमम 2 liters के करीब ऑयल डाला है और ये अब मैंने चिकन डाल दिए। देखिए, मैंने एक चीज़ नोट कीजिए, मैंने चिकन की जो लेग्स हैं उसको मैंने टाइट कर दिया था, यानी नॉट लगा दी थी इसके अंदर। और इसको जो है मैंने जो है आप डाल के फ्राई कर रहे हैं और इसका जो फ्लेम मैंने रखा है बिल्कुल मीडियम रखा है, ज़्यादा तेज़ को आपने नहीं करना है। देखिए जो आप आराम से टर्न कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ी प्रैक्टिस है, लेकिन ये इस तरह टर्न आराम से नहीं होती है,
और बिल्कुल स्लोली डालिएगा, वरना गर्म तेल है छींटे उड़ के आपके ऊपर भी आ सकती हैं। ये टर्न होकर अब ये मैक्सिमम हाफ आवर तक फ्राई होगा। अब मैं इसके ऊपर फ्राई हो चुका है हमारा यमी सा चरगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है। ये यमी मज़ेदार सा चरगा हमारा रेडी है। लाहौरी चरगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में बनाइएगा, डिनर रेसिपी भी है बनाइएगा ज़रूर, और इसको फीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। फिया को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।